काफ़ी ठीक हैं और वो कल भी कोई खतरे में नहीं थे, चोटें हैं उनको दो तीन जगह पे, किंतु गंभीर प्रवृत्ति की नहीं है। जो है इस दुर्घटना के बारे में बाद में मेरे पास एक कॉल आई और हमने फिर कंट्रोल रूम से अपने से भी वेरीफाई किया, तो जो एक हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर थे सुशील और उनके कंडक्टर थे परमजीत, इन लोगों ने ही पहले सबसे पहले 112 को सूचना दी, जिससे समय से हमारी पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पहुंच गई वहां पे। और पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पहुंचने से पहले इन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्होंने दूर से गाड़ी को आते देखा था, और जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई और फिर उसको पलटते और आग लगते हुए देखा। तो ये लोग तत्काल अपना इमरजेंसी ब्रेक लगाए इन्होंने बस पर, और इमिडिएटली जो है दोनों लोगों ने आकर के, इनका कहना है कि पंत जो थे वो आधा अंदर थे गाड़ी के आधा बाहर थे और गाड़ी चल रही थी, उन्होंने इमिडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपके आ गए और अंदर में और कोई नहीं है, दे उनको अगर कोई और लाइफ होता तो फिर उसे भी बचाना जरूरी होता। और फिर बाद में पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस आ गई और उनके द्वारा फिर इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इनको भी, सुशील को भी और परमजीत को भी, गुड समारिटन स्कीम के अंतर्गत जो है इनको रिवार्डेड कराया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। बाकी समय से सहायता मिलने से जो है उनको कोई और, कई बार क्या होता है एक तो बर्न इंजरी हो सकती थी क्योंकि अगर वो गाड़ी में रह जाते तो गाड़ी तो पूरी जल गई जैसा आपने देखा, या कई बार दूसरी गाड़ी कोई ओवर स्पीड कर रही होती है और उसके नीचे आदमी आ जाता है इस तरह से, तो ओवरऑल सेकेंडरी इंजरी नहीं हुई उसे। स्थिति क्या है? इस तरह बिल्कुल अच्छे हैं वो, नॉर्मल है। वो डिवाइडर पे लेटाया ना तो उसकी पिच बैक साइड में चोटें ज़्यादा थी, हमने उसको छाती के बल लेटा दिया था। तब तक ये पोल ठीक कर, पोल उठाने चला गया। मैं बोला भाई एक्सीडेंट और भी होंगे यहाँ पे, सर्दी का मौसम है, ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे। तो मैंने बोला इसको भाई तू वहाँ जा, मैं हूँ इसके पास में। तो वो खुद ही पूरा चेहरा उसका ब्लड में सना हुआ था। मैंने उसको पूछा भाई कौन है तू, कहाँ से है? तो बोला मैं ऋषभ पंत हूँ। कौन ऋषभ पंत? तो बोला मैं भारतीय क्रिकेटर, इंडियन टीम का क्रिकेटर ऋषभ पंत हूँ। तभी मैंने एक दूसरी सवारी से चादर लेके उसको उड़ाई, उसको मैंने उठाना चाहा, तब तक ये भी आ गया, वो मेरे से उठा नहीं। मैंने दो सवारियों की और सुशील की मदद लेके उसको उठाया, जो उसका पैर टूटा हुआ था। वो बोला मेरा पैर टूट गया भाई। हमने उसको दिल्ली वाली साइड, जो दिल्ली से रुड़की सड़क जाती है, उसके डिवाइडर पर बैठा दिया और वहाँ एक सवारी को खड़ा कर दिया, भाई इधर कोई गाड़ी ना आए, आप आ देते रहना भाई, यहाँ कोई बैठा है। तो वो बोला भाई मेरे को पानी पिला दो। मैंने बोला भाई अभी गर्म खून है, पानी मत पी दूँ। तो माना नहीं वो। फिर मैंने सुशील को बोला भाई सुशील किसी सवारी से पानी लेके आ। तब तक सुशील पानी लेके आया, तब तक उसने अपनी मम्मी का नंबर बताया। मेरा नंबर तो था एम्बुलेंस पे बिजी। मैंने किसी सवारी को बोला भाई आप इसका फ़ोन नंबर मिलाओ और उसके घर कॉल करो। तो उसकी मम्मी का नंबर आया स्विच ऑफ है। तो वो बोला मम्मी सॉरी होगी भाई। तब तक एम्बुलेंस आ जाती है, तब तक एम्बुलेंस आ जाती है। तो उसके कुछ पैसे थे थोड़े बहुत, 5-7 हज़ार रुपये थे, वो एक सवारी ने इकट्ठे किए थे। वो सवारी से मैंने उसको दिलवा दिए और पूरा सामान इकट्ठा करवा के एम्बुलेंस में रखवा के, और उसको मतलब एम्बुलेंस वालों को बोल के भाई किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाना, ऐसे ऐसे एक क्रिकेटर है। तो वहाँ से हम अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ गए थे। ये तो एक्सपायर हो चुका है, हमने उसको घसीट के बाहर निकाल दिया, उस पर कच्चे वाले उस पर डिवाइडर पर ले गए। मैंने बाप उसको छोटा, मैं ये परमजीत उसके साथ था, मैंने देखा भाई गाड़ी में कोई पर्सन, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई लेडीज तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी में इस टाइम तो कोई ना कोई पर्सन होगा। मैं इतने में वो होश में आ गया थोड़ा, बोलिया वो बोले अब इसमें कोई नहीं। मैं भाग के मैं कहा भाई साहब इसमें गाड़ी के ड्राइविंग कौन कर रहा था? बोले मैं ही कर रहा था। मैं कहा कोई इसके अंदर? और बोला कोई नहीं, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैं कहा कोई बात नहीं, नया सा एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो उसने बताया कि मेरी थोड़ी आँख की चपकी लगी। तो मैं फिर आपको पता था ये कौन है? नहीं नहीं हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था सर इसके बारे में। हम तो एक आम इंसान है, हम इंसानियत का परिचय देते हुए हम तो उसकी वो कर रहे, हेल्प कर रहे थे।